बॉक्सर, नाम सुनकर बॉक्सर भैया समझे क्या, मोटू पतलू वाला। अब आप इस चैनल पर हैं तो ये तो आप जानते ही होंगे कि हम हैं राइडर्स और हम बात करते हैं सिर्फ मोटरसाइकिल्स की। आज हम देखेंगे एक ऐसी मोटरसाइकिल जिसने काफी समय तक भारतीय राइडर्स के दिलों पर राज किया है और आज कर रही है पूरी दुनिया के राइडर्स के दिलों पर। मेड स्ट्रॉन्गर टू लास्ट स्ट्रॉन्गर बाइक बजाज बॉक्सर। क्या ये भारतीय मार्केट में दोबारा वापस आएगी? आइए जानते हैं इसके चांसेस आज के छोटे से वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, बॉक्सर आज भी भारत में बनाई जाती है, बस यहाँ आती नहीं है। हमारा बजाज स्लोगन और हमारा चेतक स्कूटर की वजह से भारत में बजाज का नाम लोगों के दिलों में छपा हुआ था और वो बजाज पर काफी भरोसा भी करते थे। इसके अलावा बजाज को पता था कि भारतीयों को क्या चाहिए। तो 1997 में जब दुनिया स्कूटर से मोटरसाइकिल में शिफ्ट हो रही थी, तब बजाज ने कावासाकी के सहयोग से भारत में लॉन्च की एक एंट्री लेवल मोटरसाइकिल बॉक्सर, जो थी रफ एंड टफ परफॉर्मेंस, 70 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज और 100cc इंजन का एक बबाल कॉम्बिनेशन। 40,000 से 45,000 रुपयों के बीच में ये भारत में लाई गई थी स्प्लेंडर से 8,000 रुपये कम में। तो लॉन्च होते ही ये गांव और कस्बों की चहेती मोटरसाइकिल बन गई और स्प्लेंडर को कड़ी टक्कर देने लगी। अब कार्स में DX, BX, LX जैसे वेरिएंट्स हमेशा से आते ही थे, तो ये पहली मोटरसाइकिल बनी जिसने भारत में बाइक्स में वेरिएंट्स का ट्रेंड शुरू किया, क्योंकि इसमें बाद में आए AT, CT और AR वेरिएंट्स। बॉक्सर की बात करने से पहले थोड़ा सा बात करते हैं भारत में 100cc सेगमेंट के बारे में। यहाँ अब मेजर प्लेयर्स होंडा, सुजुकी और यामाहा के पास कोई भी मोटरसाइकिल नहीं है। हीरो के पास है HF और स्प्लेंडर सीरीज, बजाज के पास बची है सिर्फ प्लेटिना 100 और TVS के पास आती है बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके की ऑफरिंग XL 100 सुपर मोपेड। अब बात करते हैं इस सेगमेंट के भारतीय मार्केट में पेनिट्रेशन की। तो 100cc सेगमेंट एक एंट्री लेवल सेगमेंट है जिसका ज्यादातर कस्टमर रूरल इंडिया है, मतलब जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें ये बाइक चाहिए होती है। इस तरह की मोटरसाइकिल में लोगों को चाहिए वो बस उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, कोई शोबाजी नहीं करनी, कोई दिखावा नहीं करना, उसका माइलेज अच्छा हो, वो उबड़ खाबड़ सड़कों पर बढ़िया परफॉर्मेंस दे, रफ एंड टफ हो, लॉन्ग लाइफ हो, सीट लंबी हो जिसमें 3 लोग आराम से बैठकर जा सकें, ड्यूरेबल हो और एक कम कीमत में आनी चाहिए। ओवरऑल ऐसी मोटरसाइकिल से लोगों को कुछ ज्यादा खास उम्मीदें नहीं होती। तो यहाँ पर 5 बातें निकल कर आती हैं। पहला, हीरो को छोड़कर इस सेगमेंट में ज्यादातर प्लेयर्स काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि स्प्लेंडर है रूरल इंडिया की चैंपियन बाइक। दूसरा, बजाज ने भी अपनी एंट्री लेवल मोटरसाइकिल CT का 100cc वेरिएंट अपग्रेड कर दिया है 110cc में। तीसरा, इस सेगमेंट में अगर वाकई में किसी कंपनी को कारनामा करना है तो उसको यहाँ पर मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, बल्कि उसको चाहिए मोपेड को टक्कर देने वाला कोई ज़बरदस्त प्रोडक्ट। चौथा, भारतीय ग्रामीण राइडर्स भी अब थोड़े से अपग्रेड हो गए हैं। अगर एंट्री लेवल सेगमेंट की बात करें तो उनके लिए मोपेड ही काफ़ी है, बाकी स्प्लेंडर है ही। और पांचवा, रेट कम रखने हैं तो इस सेगमेंट के प्रोडक्ट्स पर भारतीय कंपनीज को ज़्यादा मार्जिन भी नहीं मिलता, जिससे अब मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अब चलते हैं बजाज और बॉक्सर की तरफ। क्या आप जानते हैं कौन सी भारतीय टू व्हीलर कंपनी और कौन सी बाइक दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है? कंपनी का नाम है बजाज और दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाली बाइक है बॉक्सर। जी हाँ, बजाज बॉक्सर अफ्रीका में वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल है और यही नहीं, 30 से ज़्यादा देशों के लोग अभी भी बजाज बॉक्सर को काफ़ी पसंद करते हैं। अभी बजाज एक्सपोर्ट करती है बॉक्सर कई वेरिएंट्स में। 100cc एंट्री लेवल सेगमेंट में 2 बॉक्सर, 100S और 100ES, 125 और 150cc में भी 2 बॉक्सर, ADV स्टाइल X125 और X150 और कम्यूटर स्टाइल BM125 और BM150। आखिरी बॉक्सर भारत में 150cc में आती थी, जिसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 2012 में। इसका 100cc वेरिएंट 2004 में ही CT 100 में अपग्रेड कर दिया गया था, जिसे 2006 में बंद कर दिया, फिर दोबारा लॉन्च किया 2015 में और फिर से बंद कर दिया गया 2022 में। तो साफ दिखता है बजाज की अब 100cc सेगमेंट में काम करने की ज़्यादा इच्छा नहीं है, क्योंकि XL 100 के कंपैरिजन में कोई नई मोपेड लाना काफ़ी टेढ़ी खीर होगा और स्प्लेंडर के सर से ताज छीनना लगभग असंभव सा ही है। इससे अच्छा नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जाए, क्योंकि अब पेट्रोल गाड़ियों का भी ज़्यादा समय नहीं बचा है। जब तक कोई नया मॉडल थोड़ी पकड़ बना पाएगा, तब तक भारत में सब इलेक्ट्रिक सब खा जाएगा। हालांकि डिस्कवर को भारत में लाना बजाज के लिए मुश्किल नहीं है, बाइक्स तो वो बना के एक्सपोर्ट कर ही रहा है, बस उसे डोमेस्टिक मार्केट में लॉन्च करना होगा। मगर अंडर डेवलप्ड अफ्रीकन मार्केट और स्पीड से डेवलपिंग भारतीय मार्केट में जमीन आसमान का फर्क है। जो स्ट्रेटेजी वहां पर काम कर रही है वो बमुश्किल ही भारत में चल पाएगी।
तो ये तो थे मेरे विचार। अब आप नीचे कमेंट में बताइए आपके हिसाब से बॉक्सर को वापस आना चाहिए, और अगर ये वापस आती है तो क्या ये पहले ही सफलता ला पाएगी या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शॉपिंग योर लव टू योर ओन चैनल। नमस्कार।